2 अक्टूबर को मंडी के सुंदरनगर में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हमीरपुर जिला की कबड्डी की टीम आज रवाना हो गई। टीम को जिला कबड्डी एसोसिएशन के प्रधान अमित ठाकुर ने रवाना किया। इस अवसर पर कबड्डी कोच पूर्ण कटोच भी मौजूद रहे। हमीरपुर में गत 6 दिनों तक खिलाड़ियों ने गहन अभ्यास कर प्रदेश की प्रतियोगिता के लिए पसीना बहाया। राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता सुंदरनगर मंडी में आयोजित होने जा रही है। इस प्रतियोगिता में जिला हमीरपुर की कबड्डी की 24 छात्र छात्राओं का चयन करके 6 दिन का प्रशिक्षण दिया गया। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 2 अक्टूबर तक आयोजित की जा रही है। इसी के चलते जिला हमीरपुर की कबड्डी टीम मंडी के लिए रवाना हो गई है। इस अवसर पर सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को प्रधान अमित ठाकुर ने खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स किट भी बांटी। इस अवसर पर कबड्डी कोच पूर्ण कटोच ने बताया कि आज हमीरपुर की कबड्डी की लड़कों व लड़कियों की टीम सुंदरनगर में खेलने के लिए रवाना हो रही है। उन्होंने बताया कि 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मंडी में राज्य स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमीरपुर के खिलाड़ी भी दमखम दिखाएंगे। जिला की कबड्डी एसोसिएशन की जो टीम है अंडर 16 की बॉयज एंड गर्ल्स की आज यहां से रवाना हो रही है मंडी के लिए। मंडी के सुंदरनगर में सिरडा में इनका टूर्नामेंट किया जा रहा है 30 से लेकर 29 और पहली तक के बच्चे वहां खेलेंगे। और यहां से 12 सदस्यों की टीम है और 6 दिन का यहां कैंप लगा हुआ था। और इन बच्चों के हमने 24 बच्चे रखे हुए थे, 24 में से हमने 12 सेलेक्ट किए हैं और अच्छे बच्चे अच्छा प्रदर्शन करेंगे और जिला का नाम भी रोशन करेंगे और बच्चों के अपने भावकों का नाम रोशन करेंगे, हमारा नाम रोशन करेंगे। हम बच्चों को आशीर्वाद देते हैं कि बच्चे वहाँ अच्छी तरह खेलें और अपने जिले का नाम रोशन करें। सीनियर का टूर्नामेंट होगा 15 नवंबर से, उसके लिए हम यहीं करवा रहे हैं उसका आयोजन हमीरपुर जिला में। और इससे सभी हमारे हमीरपुर वासियों से और ग्रामवासियों से और जिला के बाजार वासियों से सभी से निवेदन है कि बढ़ चढ़ के इसमें भाग लें और यहाँ मैच देखने के लिए आए। यहाँ मैट के ऊपर टूर्नामेंट होगा सीनियर का। यहाँ सारे इंटरनेशनल जितने भी इंटरनेशनल हो सभी को बुलाएंगे जो यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं और हम इस सभी को इस बड़ी धूमधाम से इस टूर्नामेंट को करेंगे। और सीनियर का पिछले साल भी हमने किया था, उसका भी लोगों ने काफ़ी आनंद लिया था। इस साल हम फिर कोशिश कर रहे हैं इस टूर्नामेंट को हम बहुत अच्छी तरह से करेंगे।